कहाँ है प्रेम? जो कहते ना हम परमेश्वर के आत्मा की मान रहे हैं, उन्हीं के परिवार में जाके देख ली। आत्मा तो बहुत कुछ कह रहा है, कहाँ है ये सब चीजें? कौन प्रेम करे? पर भाई भाई में नफरत है, बाप बेटे में नफरत है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे, आमीन। हम बात कर रहे हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के विषय में। प्रकाशित वाक्य के इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। प्रकाशित वाक्य के 7 खंडों में से दूसरा जो खंड है 7 कलीसियाओं के नाम पत्र, हम उस विषय पर बातचीत कर रहे हैं। और पिछले संदेशों से हम एक बात सीख रहे हैं इफिसुस की कलीसिया के बारे में। और इफिसुस की कलीसिया के बारे में यदि आप पढ़ना चाहते हैं, अपनी बाइबल को खोल लीजिए और अपने आंखों को उस पॉइंट की तरफ ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य 2:1-7 पद में पिछले संदेश में हमने सीखा था इफिसुस के दूत के बारे में कि प्रभु ने क्या क्या कहा है, जैसा मसीह के द्वारा दूत को चेतावनी देना, मसीह के द्वारा दूत और उसके समय के जय पाने वाले लोगों को रिवार्ड देने का वायदा। परंतु प्रकाशित वाक्य 2:7 में कुछ बातों पर हमने चर्चा की थी और कुछ बातें रह गई थी। जी हाँ, हम इस पद को एक बार फिर से पढ़ लेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:7 पद को। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जिसके कान हो वे सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग लोक में है फल खाने को दूंगा। अब यहाँ पर जो है दो चीजों के बारे में हमने सीखा था, जिसके कान हो वे सुन ले और आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ठीक है, इस विषय में कि आत्मा के कहने का मतलब क्या है, कहना अभी उसने कहा नहीं है, अब कहेगा वो, क्योंकि वहां पर क्या आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, कहने का मतलब है कि हमें उसकी सुनना है जो वो कह रहा है। और परमेश्वर का एक आध कलीसिया से नहीं, सभी कलीसियाओं के बारे में लिखा कि कलीसियाओं से क्या कहता है, बहुवचन में है, एक वचन में नहीं है। इसलिए हमें आत्मा की जो है वो सुनना है इस 7वें पद में, जिसके विषय में हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अब हम बात करते हैं जय पाने। पहला पॉइंट हम ये लेते हैं, जो जय पाए। देखिए, जय पाने का मतलब क्या है कि जैसा मसीह यीशु ने जय पाई। अब मसीह यीशु को शारीरिक रूप में जो है इस संसार में आना पड़ा। किस लिए आना पड़ा? हमारे सबके पापों को अपने ऊपर लेकर हमारे सबके पापों के लिए मर जाने के लिए वो इस दुनिया में आया। और उसने जो है हर एक प्रकार की बुराइयों पर, हर एक बुरे इंसान पर, हर एक उन बुरी बातों पर, हर बुरे उन कामों पर उसने जय पाई। और सिर्फ यही नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि उसने मृत्यु पर भी जय पाई। या एक बड़ी जो है अजीब बात है, बड़ी अद्भुत बात है कि मृत्यु पर भी जय पाई। यानी मृत्यु जो है जो मनुष्यों पर हावी हो जाती थी, वो मनुष्य बनकर आया और उसने ये दिखाया कि देखो यदि हम बुराइयों पर जय पा लेते हैं तो मृत्यु भी हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ये प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया। इसलिए पहला कुरिन्थियों 15:5 उसके 55 पद में क्या कहता है, हे मृत्यु तेरी जय कहां रही? अब मृत्यु के जो जय है वो कहां रही? देखिए, मृत्यु के जो लक्षण हैं वो अगर हमारे जीवन में दिखाई देते हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो है आपके शरीर के अंदर जो लक्षण होंगे बीमारी के, उस बीमारी के लक्षणों को देखकर बताएगा कि आपको टाइफाइड हुआ है, या आपको कैंसर हुआ है, या आपको टीबी है, या आपको सांस की प्रॉब्लम है, या आपको शुगर है। उसके लक्षण देखकर जो है वो उस बीमारी के बारे में बताता है। अब हमारे अंदर मृत्यु के लक्षण जो हैं वो कैसे दिखाई देते हैं? देखिए पौलुस क्या कहता है, आप रोमियो 6:23 उसका 23 पद जब आप पढ़ेंगे, यहां लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अब ये बड़े ध्यान देने की बात है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। यानी पाप, मृत्यु के लक्षण जो है वो कैसे दिखाई दे रहे हैं? पाप। अब पाप क्या है? पाप बहुत से होते हैं, झूठ बोलना, गाली देना, दूसरे पे दोष लगाना, बुराई करना, लुतड़खोरी करना, ईर्ष्या करना, जलन करना, व्यभिचार, लड़ाई झगड़ा और जाने क्या क्या चीजें हैं, ये सब कुछ पाप में आती है। और जब आप गलतियों की पत्री 5:19 उसका 19-22 पद तक पढ़ेंगे तो वहां लिखा शरीर के काम तो प्रकट है, वो जो काम दिखाए गए हैं ना वो सब पाप में आते हैं, सब पाप में आते हैं।
आपके अपने बड़ों की आज्ञा नहीं कर रहे हैं, मान रहे हैं आप, अपने बड़ों का आदर नहीं कर रहे हैं आप, प्रभु की आज्ञा नहीं मान रहे हैं आप, प्रभु का आदर नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं पाप में है। और ये पाप के लक्षण जब दिखाई देते हैं, झूठ बोलना दिखाई दे रहा है, बुराई करना दिखाई दे रहा है, गाली देना दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये मृत्यु के लक्षण हमारे अंदर पाए जाते हैं। और इन्हीं सब बातों पर जब हम जय पाते, जब हम बुराई पर पाप पर जय पाते हैं, विजय होते हैं, तो इसका मतलब क्या है, मृत्यु के लक्षण जो है समाप्त होते जाते हैं। जैसे कि आप अगर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपके शरीर के अंदर लक्षण देखे और जो भी बीमारी है उस बीमारी की दवाई उसने मेडिसिन लिख कर दी और आपको समय के अनुसार जब वो खाने लगे तो वो बीमारी के लक्षण जो होते हैं वो क्या होते हैं, खत्म होने लगते हैं। उनके खत्म होने का मतलब होता है कि आपके शरीर से वो बीमारी क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। ऐसे ही जब पाप के लक्षण जो है जो दिखाई दे रहे हैं, जब पाप हम प्रभु यीशु मसीह में होते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह की सुनने लगते हैं, जब हम आत्मा की सुनने लगते हैं, तो वो जो पाप के लक्षण हैं वो समाप्त होने लगते हैं। इसका मतलब क्या है कि मृत्यु जो है अब हमारे जीवन से क्या होती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। और इसलिए यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ विश्वास करे बैठे, विश्वास करने का मतलब होता है कि जो कुछ भी उसने कहा है आप आंख बंद करके उन बातों को, उन कामों को पूरा कर रहे हैं, या जो आत्मा सिखा रहा है या जो आत्मा कह रहा है उसको सुनकर उसको पूरा कर रहे हैं। ये होता है विश्वास। विश्वास करके बैठे रहना विश्वास नहीं होता है। मैं बहुत से पदों के पूरे पूरे रेफरेंस नहीं पढ़ूंगा, मगर मैं आपको रेफरेंस दूंगा। यहाँ लिखा पहला योहन्ना की पत्री 2 अध्याय उसका 13 से 14 पढ़ लीजिएगा। यहाँ लिखा है और तूने उस दुष्ट पर जय पाई है। देखिए दुष्ट पर जय पाई, यानी जब हम पापों पर जय पा लेते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम उस दुष्ट पर, दुष्ट का मतलब शैतान पर जो है जय पाते हैं। और जिसने शैतान पर और उसके कामों पर जय पा ली है और वो क्या है, वो जय पाए हुए लोग हैं और उनको देने के लिए प्रभु के पास एक रिवार्ड है जो हम देखेंगे। और फिर लिखा है पहला योहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 4 पद में, हे बालको तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वे उनसे जो संसार में है बड़ा है। देखिए किस पर जय पाई है, संसार पर, संसार के लोगों पर। प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर जय पाई, संसार को जीत लिया। हमें भी संसार पर जय पानी है, संसार के लोगों पर, संसार की बुराइयों पर जय पानी है। और जब हम उस पर जय पा लेते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की तरह हम भी जयवंत हो जाते हैं, क्योंकि हमने भी मृत्यु पर क्या है, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर जय पाई, हमने भी मृत्यु पर जय पा ली। और फिर क्या लिखा है, पहले योहन्ना की पत्री 4 अध्याय उसके 3 पद में, और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं है और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वे आने वाला है और अब भी जगत में है। अब यहां क्या लिखा हुआ है कि जो आत्मा यीशु को नहीं मानती है। अब आप सब ये कहते हैं कि हम यीशु को मानते हैं, यीशु को मानने वाले लोग जो हैं यीशु की आज्ञाओं को मानेंगे, यीशु मसीह की बातों को मानेंगे, उसके पवित्र आत्मा की बातों को मानेंगे, पवित्र आत्मा जो सिखाएगा उसके अनुसार चलेंगे, उनके जीवन में किसी के प्रति जलन कुड़न नहीं होगा, उनके जीवन में सिर्फ प्रेम होगा। अगर हम ये कहने हमारे जीवन में तो प्रेम है, तो भैया मैं इस चीज को नहीं मानता। क्यों नहीं मानता, क्योंकि एक सेवक दूसरे सेवक पर, एक कलीसिया दूसरी कलीसिया के ऊपर क्या है, उंगली उठाए रहती है और तर्क वितर्क करे रहती है और नफरत और विरोध की बातें जो होती हैं उनमें उत्पन्न होती रहती हैं, और उसी जिसके कारण जो है बहुत से विश्वासी जो है अपने विश्वास से भटक चुके। इसलिए मैंने इस बात को नहीं मानता कि अगर कोई सेवक ये कहता है या कलीसिया के लोग ये कहते हैं कि हम तो प्रभु में परिपक्व हैं, हम तो प्रभु की सुनते हैं, हम तो प्रभु की आत्मा की मानते हैं, जैसा आत्मा कहता है वैसा करते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और भी झूठ बोलने वाली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है पहला योहन्ना की पत्री, ये पद जो है मैं जरूर पढ़ाना चाहूंगा कि परमेश्वर का वचन जो है वो क्या कहता है। जी हाँ, यहां लिखा है पहला योहन्ना की पत्री और उसका 2 अध्याय और 3 और 4 पद जरा पढ़िएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं। अब लोगों को यही नहीं पता कि आज्ञाएं कितनी हैं। 10 हुक्म तो टांग रखे उन्होंने अपने घर के अंदर
और वो भी पूरे पूरे लिखे नहीं है, बस कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, पूरी बातें ही नहीं लिखी हैं उन दस हुक्म में। अभी किसी से दस हुक्म सुन लो तो दस हुक्म नहीं, बहुत से लोग सुना भी देंगे तो सिर्फ दस ही आज्ञा थोड़ी, और भी बहुत सी आज्ञा है। पवित्र आत्मा कहता ना कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इफिसस की कलीसियाओं से क्या कह रहा है कि आत्मा कलीसियाओं से ये कहता है, जिसके कानों वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से कहता है, क्या कह रहा है कि तुम प्रेम रखो, क्या कहता है कि तुम विश्वास रखो, संयम रखो, धीरज रखो। आत्मा के फलों को देखिए, आत्मा क्या कह रहा है, मेरे हथियार ले लो, है विश्वास की ढाल ले लो, परमेश्वर का वचन जो दोधारी तलवार है वो ले लो। आत्मा तो बहुत कुछ कह रहा है, कहां है ये सब चीजें, कौन प्रेम करे पड़ा, भाई भाई में नफरत है, बाप बेटे में नफरत है, मां बेटी में नफरत है, सास बहू में तो कभी बनती नहीं है। आज लड़के की शादी हो जाए 3 महीने 6 महीने के बाद वो खुद अलग हो जाता है। लड़की जो है अपने घर वालों को ज्यादा सपोर्ट करती है और लड़के जो हैं वो अपने माँ बाप को भी छोड़ देते हैं। कहाँ है प्रेम, जो कहते ना हम परमेश्वर के आत्मा की मान रहे हैं, उन्हीं के परिवार में झांक के देख लीजिए कितना मतलब तिरफक्का फैला हुआ है और जो है सब जो है इधर उधर भटके हुए हैं। अब आया सास कहेगी कि क्या करें हमारे बेटे बहू ऐसे हैं, बेटे बहू कहेंगे हमारी माँ ऐसी है, हमारी सास ऐसी है, हमारे बाप ऐसे हैं। तो सब तो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाएं, प्रेम है ही कहाँ। लिखा ना प्रेम सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है, सब बातें चाहे नफरत की हो चाहे गुस्से की हो चाहे कैसे भी हो, सब बातों को वो सह लेता है, सहनशील होता है प्रेम। और यही तो आत्मा सिखा रहा है। और फिर कह रहे हैं आत्मा आज्ञा दे रहा है, हम आज्ञा नहीं मान रहे, फिर कहते हैं कि हम तो प्रभु की आज्ञा, जो कहता है कि हम प्रभु के हैं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, बिल्कुल साफ लिखा कि वो झूठा है और उसमें किसी भी प्रकार का जो है वो सत्य नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है पहले योना की पत्री 5 अध्याय उसका 4 और 5 पद जरा देखेंगे, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहां लिखा है क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न है वे संसार पर जय प्राप्त करता है, और वे विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है, केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो हम विश्वास करते हैं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, यहां कहने का मतलब क्या है। अब जय पाने वाले नहीं साहब, हम तो मानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इसका मतलब हम जय पाने वाले लोग हो गए, बस इतनी सी बात मान लेने से। ऐसे तो बहुत से अनजाति के लोग भी मानते हैं कि बहुत से ऐसे अनजातियों के मुंह से सुन लीजिए, हाँ प्रभु यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्र है, तो इसका मतलब वो भी जय पाने वालों में हो गए। बहुत से ऐसे पापी लोग भी मानते हैं, बहुत जिनके जीवन में बहुत बुराई है, बहुत सरांध भरी हुई है, वो भी कहते हैं परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो वो भी जय पाने वालों में शामिल हो गए। इसका कहने का मतलब क्या है, इसके सेंस को समझें कि परमेश्वर का वचन कह रहे हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जैसा परमेश्वर की आप सुनते आए हैं, जैसे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते आए हैं, वैसे ही मेरे पुत्र की भी सुने और उसकी भी आज्ञाओं का पालन करें। आप पढ़ लीजिएगा मत्ती 17 अध्याय उसके 5 पद में क्या लिखा हुआ है, ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। और यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में क्या कहता है, आप यूहन्ना की इंजील 14 अध्याय 15 अध्याय 16 अध्याय को जब आप पढ़ेंगे ना, तो वहां लिखा हुआ है कि वो सत्य का आत्मा जब आएगा, वो पवित्र आत्मा जब आएगा, मेरी बातों में से तुम्हें सिखाएगा। तो जो आत्मा सिखा रहा है उसको सीखें। ये नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र हो गया, बस जय पाने वाले लोग हैं। जो बातें सिखाई गई, जो बातें कही जा रही हैं, जो बातें सुनाई जा रही हैं, उनको मानना ही इस बात को प्रमाणित करना है कि सही में यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब हम उन बातों को सुनते हैं, उन बातों को मानते हैं, ताकि आप समझें और प्रभु के वचन को सही तरीके से समझ कर उसको अपने जीवन में वैसे ही लागू करें जैसा आत्मा कहता है। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दे। आमीन।